सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आगाज हो चुका है और 16 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक ये श्रृंखला चलने वाली है। T20 फॉर्मेट में ये सारे मैचेस खेले जाएंगे और इस बार इस टूर्नामेंट में टोटल 38 टीम्स भाग ले रही हैं, 38 टीमों ने भाग लिया है। टोटल जो मैच खेले जाएंगे वो हैं 136 मैच। एक बार डेट दोबारा से सुन लें क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेट आप तक पहुंच रही है। डेट जो है वो 16 अक्टूबर से शुरुआत हो चुकी है और साथ में ये 6 नवंबर तक जाने वाली, यानी फाइनल मुकाबला आपको 6 नवंबर को देखने को मिलेगा। साथ में एक दिन में इसमें टोटल 4 मुकाबले खेले जाएंगे, यानी क्योंकि मैचेस खेलने 136 डेट जो है वो कम है। टाइमिंग अगर आपको बताएं तो जो पहला मुकाबला शुरू होगा वो सुबह के 9 बजे से होगा, दूसरा 11 बजे से और तीसरा दोपहर के 1:30 बजे 1:30 PM से, और जो लास्ट मुकाबला होगा वो 4:30 शाम से आप देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम शर्मा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पे। क्रिकेट की सभी अपडेट्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग कहां हो रही है, ब्रॉडकास्ट राइट क्या है, क्रिकेट की न्यूज अपडेट सब चीज़ों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर पहली बार आए हैं तो, नहीं तो पता ही आपको अनसब्सक्राइब हो जाता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो। वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सारी डिटेल्स की कितनी ग्रुप में बांटा गया है टीमों को और कौन से ग्रुप में कौन कौन सी टीम शामिल होने वाली हैं और लाइव ब्रॉडकास्ट का राइट्स कहाँ हैं और साथ में आप अपने मोबाइल फ़ोन में किस तरीके से इन मैचों का आनंद उठा सकते हो, क्योंकि इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत सारे नामी गिरामी प्लेयर भी शामिल हैं। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो डेट है वो 16 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच की है। 38 टीमें भाग लेंगी, 136 मैच खेले जाएंगे, एक दिन में 4 मैच कंप्लीट कराए जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी ग्रुप में कौन सी टीम भाग ले रही है जिससे आप अपनी टीम को सपोर्ट कर पाए। तो जो ग्रुप ए है, क्योंकि ग्रुप यहां पे बने हैं A, B, C, D, E, तो ग्रुप ए में अगर हम टीम की बात करें तो यहां पे बड़ौदा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय और मिजोरम एंड मुंबई, ये ग्रुप ए की टीम है। ग्रुप बी में बात करें तो आसाम, बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरला, उड़ीसा और सर्विसेज एंड सिक्किम है। ग्रुप सी की बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, मणिपुर, पंजाब रेलवे एंड सुरक्षा नाम की एक टीम यहाँ पे शामिल है। और ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पे बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र और यहाँ पे पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तराखंड एंड विदर्भ है। ग्रुप ई में दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश, तो ये सारी टीमें यहाँ पे शामिल होने वाली हैं। प्रत्येक टीम जो है यहाँ पे अपने कई मैचेस खेलने वाली है। टोटली अगर देखा जाए तो हमने बता ही दिया है आपको कि 136 मैच यहाँ पे होने वाले हैं और 38 टीमों के बीच में होने वाले हैं। एक दिन में आपको 4 मुकाबले देखने को मिलेंगे। साथ में इस बार का ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का क्रिकेट मैच है ये T20 फॉर्मेट में आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की, जिसका आप सबको इंतजार है कि लाइव स्ट्रीम कहां हो रही है, क्योंकि ऐसे मैचों की लाइव स्ट्रीम आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, पता ही नहीं चलता कि कौन से चैनल पे आने वाली है। तो अगर आप इसको मेरे दोस्त देखना चाहते हो टेलीविजन पे तो आपको ये टेलीविजन पे स्पोर्ट्स 18 खेल पे देखने को मिलने वाला है। आपको टेलीविजन पे स्पोर्ट 18 खेल पे देखने को मिलने वाला है। नो हॉट स्टार, नो स्टार स्पोर्ट, नो जियो सिनेमा, आपको केवल स्पोर्ट 18 खेल पे देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं अगर आप मोबाइल फोन में वॉच करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना पड़ेगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और कोई हल आपके पास नहीं है। इसके अलावा चैनल को ज्वाइन करें और आपको वहां पे सारी चीजें समझ आ जाएंगी और वहां पे आपको जुगाड़ दे दिया जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और यहां वीडियो पे पहुंच गए हो मतलब वीडियो आपको अच्छी लगी है और ऐसे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी क्यों भाई, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहां से भी आप हमें ज्वाइन कर पाएंगे। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।